नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती और आज हम बात करेंगे मोरिंगा की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उसके लीव्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके हम सीड्स को और उसकी रूट्स को कैसे अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर उसकी रूट्स की बात करें तो उसको सुखाकर आप सिंपली उसका अगर पाउडर बना ले, उसे आप योगर्ट में या किसी स्मूदी में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उसे आप बॉयल ना करें, क्योंकि अगर आपने उसे बॉयल किया तो उसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे। अगर इस सीड्स की बात की जाए तो वो आप फ्रेश या फिर ड्राई करके उसका पाउडर बना के उसे यूज कर सकते हैं। इसके सीड्स फाइबर में बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं। इसकी अगर आप इससे आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, प्लस आपके डायबिटीज में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। आपकी डायबिटीज को ये कंट्रोल में रखता है, आपके हेल्थ इश्यूज को बहुत अच्छे से ये सॉल्व करता है। ये है वो मैजिकल ट्री जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए इसकी लीव्स ये आपके घरों के आसपास बहुत ही इजिली आपको अवेलेबल हो जाता होगा, लेकिन हम में से कई लोग इसकी मेडिसिनल वैल्यू ना जानने की वजह से इसे नजरअंदाज कर देते हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वेदर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट और नॉट। मैंने पिछले वीडियो में इसका बोटैनिकल नेम भी बताया था, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो याद है या पता है, कितने लोगों को इसका यूज पहले से पता है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ जहाँ ये प्लांट खड़ा है, शायद यहाँ के लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते, इसीलिए इसकी ये कंडीशन है। बट कोई बात नहीं, अब शायद आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस जान पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।